आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा मोदी है तो मुमकिन है का नारा आज वैश्विक नारा बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि G20 सम्मेलन से भारत को अपनी ताकत दिखाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और निवेश के मौके बढ़ रहे हैं और निवेश के चलते 1,61,00,000 नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। आज जब हम 7 माह के बाद फिर से प्रदेश कार्य समिति के इस बैठक में यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबके सामने देश के प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। आजादी के अमृत महोत्सव को हम में से कदाचित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 1947 में आजादी के उत्सव को देखा होगा, लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी के भारत ने उस उत्सव के साथ जुड़ करके हर घर तिरंगा लगा करके अपने आप को साबित किया था कि आजादी के वास्तविक उत्सव का मतलब क्या होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में हर घर तिरंगा के माध्यम से हरेक भारतवासी का आजादी के उत्सव के साथ जुड़ना या आजादी के महोत्सव को कई गुना अधिक रोमांचित और उत्साहपूर्ण बना लिया। भाइयों बहनों, इस दौरान ढेर सारी उपलब्धियां स्वतः ही भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशील नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। दुनिया कोतल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है।